एक बहुत सुंदर सी ध्यान विधि की आज बात करूंगा। वो विधि को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कथा भी कहना चाहता हूँ, आपको मजा आएगा सुन के। एक गांव में एक लड़का, उसकी उम्र कोई 15 साल की रही, और वो अक्सर ऐसा कहता था कि कौन काटेगा कौन बुनेगा। तो ये बात कुछ रिलेवेंट नहीं थी किसी घटना से, कुछ समझ नहीं आता था। घर के लोग कहते थे, वो लगातार इस बात को कहता, मतलब वो पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक कोई 200-500 बार इस बात को कहता कि कौन काटेगा और कौन बुनेगा। तो भोजन करते लोग किसी संदर्भ में बात चल रही, वो कहता कौन काटेगा कौन बुनेगा। तो ये बात ही समझ में नहीं आती, घर के लोग सारे परेशान, ये क्या बीमारी। वो कहते थे किसको काटना है किसको बुनना है, वो कुछ कह नहीं पाता। वो कहता कौन काटेगा कौन बुनेगा, और जब वो कहता कौन काटेगा कौन बुनेगा तो उसके चेहरे पर इतना तनाव आ जाता, तो रात कभी नींद में उठ के बैठ जाता और कहता कौन काटेगा कौन बुनेगा। फिर वो उस गांव में एक फकीर का आना हुआ, तो इसका सारा इलाज करा चुके थे, घर के लोगों को फकीर पे बहुत भरोसा तो नहीं था, पर वो गए, उन्होंने कहा कि अब आप ही आखिरी हैं, अब आप कुछ, हमने सुना है कि फकीरों के पास सब चीज का इलाज। फकीर मुस्कुराया, उसने कहा कि ठीक है, मुझे भी इसको समझना पड़ेगा कि ये क्यों ऐसा कहता है कौन काटेगा कौन बुनेगा, तो मैं आपके घर रहना चाहूंगा 7 दिन के लिए। तो घर के लोगों ने कहा ठीक है रहो, तो वो रह गया। और फकीर ने उस लड़के को लगातार देखना शुरू किया कि वो लड़का कहाँ जाता है, क्या करता है, किसके साथ खेलता है, क्या खाता है, कब सोता है, कब उठता है, सारी। एक दिन फकीर ने देखा कि वो लड़का जब बिल्कुल अकेला होता है, जब उसके कोई मित्र नहीं होते, घर के लोग नहीं होते, तो शाम अपने छत पर जाकर के बैठ जाता है और उनकी छत से रेलगाड़ियां जाती हुई दिखाई पड़ती हैं, और वो कई रेलगाड़ियां वहां से गुजरती है। वो बच्चा अकेला बैठ के देखता है, वो फकीर छुप के उस बच्चे को देख रहा है कि ये क्या देख रहा है। फिर उसमें एक रेलगाड़ी ऐसी आती है जिसको मालगाड़ी कहते हैं, उसमें खूब सारा कपास भरा हुआ है, और वो बच्चा देखता है कि एक डब्बे में बड़ा भरा कपास, फिर दूसरे में भी इतना कपास, फिर तीसरा भी डब्बा कपास, फिर चौथा भी, इतना सारा कपास। तो उसको ये चिंता पकड़ जाती है कि इतने कपास को कौन काटेगा और कौन बुनेगा, क्योंकि कातने और बुनने का काम उस गांव में होता है, और वो देखता है बड़ा मुश्किल है, थोड़े से कपास को भी कातना और बुनना मुश्किल है, तो होता है इतने कपास को कौन काटेगा और कौन बुनेगा। अब देखिए, ये बड़ी अजीब साइकोलॉजिकल समस्या है। वो फकीर देख लेता है, समझ लेता है। फकीर एक दिन उसके बाजू में आके बैठता और कहता है बच्चे तुम इस बात को जानते हो? बोला क्या? बोले ये जो मालगाड़ी जाती है ना जिसमें इतना कपास भरा है। बोले हाँ। बोले ये मालगाड़ी आगे जाती है और इसमें आगे के गांव के लोग आग लगा देते हैं, कोई मालगाड़ी जगह पर पहुंचती नहीं, ये मालगाड़ी इस गांव से आगे गई कि अगले ही गांव में वो आग लगा देते और ये सारा कपास जल जाता है। तो बोला आज दिन तक जितना भी कपास यहां से गुजरा वो सब जल गया? उन्होंने कहा हाँ जल गया। वो लड़का वही उसी जगह गहरी निद्रा में चला गया, इतना शांत, उसके सारा तनाव जाता रहा। उसने सोचा कि सारा कपास जब जली गया तो कौन काटेगा और कौन बुनेगा। ये घटना मैंने आपसे इसलिए कही कि हम ये बात सुनते तो बहुत हैं कि सब एक है, सब ब्रह्म है, सब परमात्मा है, मगर कहां हम दिन भर परेशान हैं चीजों को लेकर के, इसने ऐसा कह दिया और उसने वैसा कह दिया और इसने ये कर दिया और उसने वो कर दिया, जबकि ये और वो सब एक ही ब्रह्म का विस्तार है, मगर वो विस्तार कहां समझ में आता है। तो एक छोटी सी ध्यान विधि की मैं बात कर रहा हूँ, इसको हम एक जगह बैठकर 15 मिनट 20 मिनट कर सकते हैं, आधा घंटा कर सकते हैं, और इसको फिर हम पूरे 24 घंटे में फैला सकते हैं। विधि क्या है वो समझे। तो विधि ऐसी है कि आपको बैठना है आंख बंद करके और आपको आती हुई श्वास को देखना है कि श्वास आई, और श्वास जब जाती है तो आपको भीतर मन में कहना है एक। अब आपको हिंदी में समझ में आया एक उसका संस्कार ज्यादा है या वन का संस्कार ज्यादा है आपके भीतर, वो आपको तय कर लेना। तो एक, और फिर श्वास भीतर जाती है और फिर श्वास बाहर जाती है, बाहर जाती श्वास के साथ फिर आपके तय एक। अभी दो पे जाना ही नहीं है क्योंकि दो ही सारा द्वैत का ही चक्कर है, द्वैत से बाहर आना है। तो एक, फिर श्वास भीतर गई, थोड़ी देर ठहरती भी है श्वास, फिर बाहर गई और आपने कहा एक, फिर श्वास भीतर आई फिर बाहर गई एक। बस यही करना है, कोई 15 मिनट कम से कम एक ही काम करना है, श्वास भीतर आती बाहर जाती आप कहते हैं एक अपने भीतर।
एक 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 एक, इस एक को अपने भीतर उतरने दें, एक एक। सुनने में ये विधि बड़ी अजीब सी लग रही है, पर करने में ये बहुत सरल है और इसके परिणाम बहुत अद्भुत हैं, अद्भुत हैं। शुरुआत के दिनों में अक्सर ओशो अपने मित्रों से इस विधि को करने को कहा करते थे, और वो कहते हैं कि तुम इस विधि को करते करते कब एक हो जाते हो तुम्हें पता ही नहीं चलता। ये विधि करने जैसी है, घर में कहीं चुपचाप शांत कोने में बैठ करके 15 मिनट इसको करें, और फिर धीरे धीरे इस विधि को यूं फैलाएं कि आप कहीं गाड़ी चला रहे हैं, या आप कहीं बैठकर नाश्ता कर रहे हैं, या आप किसी से चर्चा कर रहे हैं, और आपके भीतर एक, तो सब जुड़ जाता है, सब दुई खत्म हो जाती है, अचानक सब एक हो जाता है, सब जुड़ जाता है। ये सब आपके भीतर होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो इस विधि को करना है, ये करने जैसी विधि है, क्योंकि ये बड़ी कारगर विधि है और ये सरल है, कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी परिस्थिति में। बहुत बहुत